परेशान होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग एक्चुअली। देखिए, कायनात अपने हदफ की तरफ बढ़ रही है, इट्स मूविंग। और ये हरकत जो है, ये मूवमेंट, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, हरकत है। अगर मैं नहीं बढ़ूंगा कायनात के साथ उस मकसद के लिए, वो जो एक्चुअल है, तो फिर मैं अपने आप को नुकसान की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो कायनात का एक मकसद है और एक कमाल नहाई है। एक मकसद डिफाइन कर दिया, अब आपके अंदर लेवल्स हैं, अब आप कितने कमाल पे पहुँचते हैं, और इस कमाल तक पहुँचने के लिए आपको रास्ता दिखा दिया, रास्ता आपको दे दिया। अब ये जो टाइम जोन है हमारे पास रमज़ान का, ये बेसिकली क्या है, ये बूस्ट है। जैसे आप स्पोर्ट्स कार में नहीं होता, सारे इंजन होते हैं, फिर एक बटन दबाएं, गाड़ी झुक गई। रमज़ान यही है, बस एक्टिवेट करना है अपने आप। एक्टिवेट करें, एक्टिवेट कैसे करेंगे, अब एक सजदा, सजदों को तुलानी कर दें, थोड़े लंबे सजदे कर दें। खूब यहाँ लोग शायद देखेंगे, वो आज लंबे सजदे कर रहा है, यहाँ ना करें, घर जाके कर लें, रात को कर लें, तन्हाई में कर लें, करें तो सही, बात तो करें उससे कि परवरदिगार तूने जो इस महीने के घंटों में, हवाओं में इबादत रखी हुई है, मैं इसको कब महसूस करूँगा, मैं क्यों लॉस्ट हो रहा हूँ इस कायनात में, मैं क्यों मिस कर रहा हूँ चीज़ों को, जबकि सब कुछ हो रहा है, मुझे कब आवाज़ आएगी कि ये दरिया की लहरें भी, समंदर की लहरें भी तेरी तस्बीह पढ़ रही हैं, परवरदिगार, ये दरख्त भी तेरी तस्बीह पढ़ रहे हैं, यानी सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा ही हूँ परवरदिगार। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा, मैं थोड़ा भटक गया हूँ, थोड़ा बच्चों की तरह ख्वाहिशात करने लग गया हूँ। जब एक माँ बाप एक बच्चे को परवरदिगार माफ़ करते हैं, तू तो रहमान है, तू भी माफ़ कर दे मुझे इस महीने में, अगर तू खुद नहीं देगा, अज़ान मौसम दुआ पोमजा उस्मानी, परवरदिगार तूने मुझे निकाल दिया, मगर मैं नहीं जाऊँगा तेरी बादशाह से, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तुझे छोड़ कर कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ है, ला युमकिनुल फरार, में तेरी हुकूमत से फरार नहीं है, दुआ कुमैल अज़ान मौतम। ये कब होगा, जब हम अपने आप को समझें कि इस महीने में सिस्टम कोई और है, खुदा ने हमें ये सब कुछ दिया हुआ है कि हम जो हैं अल्लाह के बंदों में अपना शुमार करवा सकते हैं, कि परवरदिगार हम तेरे बंदे हैं, हम किसी और के बंदे नहीं हैं। अगर तेरी बंदगी नहीं कर पाए तो फिर हम अपने नफ्स की बंदगी करेंगे, और नफ्स तो इंसान को नहीं छोड़ता। आप इसलिए कभी भी किसी भी जगह पर वेट ना करें, अगर गलती हो, इंसान से गलती होती है, मेरे से गलती होती है, सबसे गलती, फौरन पलटें, फौरन पलटें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, माफ़ी मांगें। जवान कहते हैं हमसे गलती बार बार होती है, खुदा कह रहा बार बार आ जाओ, खुदा तो मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम सिदके दिल से शर्मिंदा हो, शर्मिंदगी ज़रूरी है। अब इंसान शर्मिंदा ही नहीं होता तो खुदा ना करे कहीं ऐसा हो कि हमारे दिलों पे कहीं इतनी लेयर्स आ जाएं कि फिर हमें बुराई बुराई ना लगे। इसलिए अगर आपकी आँख में कभी आंसू आता है तो आप खुदा का शुक्र करें, क्यों, इसका मतलब है दिल नरम है, अभी कैपेसिटी है, अभी ऑप्शंस हैं। और ये हम लें अज़ीज़ान-ए-मोहतरम, ये गिरिया बड़ा ज़रूरी है।